हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब प्रणाम सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायलट ऑन बोर्ड एंड दिस न्यू व्लॉग। तो यार अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और भाई मैंने भी आज सफ़ेद कुर्ता पहना है। पर चलो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक और बात जो बहुत ज़रूरी है आज के दिन के लिए, तो भाई जितने भी मेरे मुस्लिम दोस्त भाई बहन जो भी हैं यार, सबको ईद मुबारक दिल से, ईद की हार्दिक। बाहर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो ये वॉइस आती रहेगी और हमेशा यही होता है, तो हार्दिक शुभकामनाएं। तो यार सुबह देख लो मैंने भी कुर्ता पहन लिया है आज, और अपने जितने भी मेरे यार दोस्त मुस्लिम दोस्त हैं जो जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ सबको मैंने बधाई दी है। और कई जगह हमें आज जाना भी है, जो भी हमारे जानने वाले हैं तो उनके पास बहुत से लोगों ने बुला रखा है, तो हम आज पूरा दिन वहाँ पर घूमेंगे। मतलब पूरा दिन नहीं, 2-3 घंटे हम वहाँ पर निकालेंगे, उसके बाद मैं घर आऊँगा और आगे की वीडियो घर पर ही शूट करूँगा। तो चलो यार गाड़ी निकाल लेता हूँ मैं, और क्योंकि मेरे को जल्दी जाना, बाबा जी बाहर ही वेट कर रहे हैं। तो यार ये हमेशा की तरह बाहर खड़ी है, और बाहर खड़ी रहती है ना तो इसलिए गंदी भी रहती है थोड़ी सी। तो भाई निकलता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले एक और बात। देखो यार मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि मैं मम्मी चूल्हे पे रोटी मत बनाया करो, बिल्कुल भी मत बनाया करो, मैं दलिया खाना बंद कर दूंगा, बिल्कुल खाना बंद कर दूंगा। और यहाँ से ना पलवल से निकल के हम दुबई में सेट हो रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अब मैं पायलट हूँ भाई, और अब मेरे को ना ये गांव-गांव में रहना सूट नहीं करता है, और ये दलिया वलिया क्या मतलब हम खाते रहते हैं, चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, पूरी गांव जैसी लाइफ जी रहे हैं ना। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार, कुछ दोस्तों को बड़ी दिक्कत है यार। यूट्यूब का कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है मेरा, मेरे को पर्सनल मेरे एक दो फ्रेंड्स का मेरी गोयर से ही फोन आया कि यार तू ये क्या व्लॉगिंग वगैरह करता रहता है, क्या मतलब ये तरीका सही नहीं है तेरा, तू पायलट है और ये तू गांव की देसी लाइफ दिखाता है, अपने घर का मतलब पूरा सिस्टम दिखाता है, तुम ऐसे ही मतलब कैसे भी व्लॉग बना लेता है। भाई मैंने उसको बोला मेरी ये रियलिटी है यार, मैं इसी चीज़ से निकला हूँ, मैं इसको कैसे बोल जाऊँ। आज मैं मतलब मैं अपनी मैं हिंदी बोलता हूँ ठीक है, यहाँ पे गांव में मैं गांव जैसी मेरी जो लैंग्वेज है लोकल, वो आपने कई बार देखी होगी यूट्यूब पे, वो बोलता हूँ मैं उसे भूल जाऊँ भाई। मैं यहाँ के अगर सबसे अपने मोहल्ले में अंग्रेजी में बात करूँ या बहुत मतलब दिल्ली वाली लैंग्वेज में बात करूँ तो कैसा लगेगा उन लोगों को, वो मेरे को गाली नहीं देंगे। तो भाई मैं वो भी ये ब्लॉग देखता है उसके लिए भी ये स्पेशल बात, तो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि देख भाई मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, ऐसे ही बनती रहेंगी, जो एक्चुअल है ना, जो एक्चुअल है वो मैं लोगों को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ भाई, जो है वो है। आज ठीक है चीज़ें चेंज होंगी पर टाइम के साथ, ऐसे नहीं है कि एकदम से चेंज होंगी। तो भाई मेरी व्लॉगिंग तो ऐसे ही रहेगी, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना वो नहीं देखे, जो पसंद करता है वो देखेगा, जो नहीं करता वो नहीं देखेगा, सिंपल। यार अभी हम वापस आ गए, बाकी भाई क्या इज्जत करी लोगों ने, अपने सारे दोस्तों से मिले, मैं भी अपने दोस्तों से मिला दो चार, और मेरे पापा भी मिले क्योंकि आज ईद थी तो हमें जाना था उनके यहाँ पे, उन्होंने बुला रखा था, बड़ा मजा आया। व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, देखते रहना भाई, टीवी पूरे दिन चलता है। और ये है भाई, ये आर्मी की पूरी टीम है और ये यहाँ बैठा है। क्या काम कर रहा है बचपन में हमने बहुत काम करे थे, पत्ता फोड़ रहा है। किसने सिखाया ये? ओहो हो हो, कभी भी मिलोगे तुम राखी से तो यहीं पे मिलोगे। और ये इसका काम करने का तरीका, कान में लीड लड़ी होगी पर इसके कान का पर्दा नहीं है, पर लगाती दोनों में ये का पर्दा नहीं, पर सुनाई मुझे दोनों से देता है। क्या बर्तन क्या दूर दूर मैं जब रेंज को बर्तन धोते हुए देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मैंने सही नहीं किया शायद। मैं तो करती थी बेचारे, मैंने उसको भी इसी काम फेंके तो इसकी बीमारी सही हो रही है भाई, धीरे धीरे गला बैठाना पड़ेगा इसका। प्यास लगी है भाई तुम्हारे भाई को, और वैसे भी दुबई में सेटल हो रहे हैं तो पानी तो बंद करना पड़ेगा, कोक पीनी पड़ेगी। ये आप खोल दो अपने सुबह हाथों से। तो हम दुबई में सेट हो रहे हैं अब, क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसी अफवाहों पे मैं कभी विश्वास नहीं करती। ये जो कोक है ना मैंने खरीदी नहीं है, मैं जहाज में से लाया था, मेरे को पीनी थी वहीं पे पर मैं पी नहीं पाया क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा था, मैंने ले ली थी पर मैं अपने बैग में डाल गया। ये पी रहा तूने देख लिया, पर पी नहीं सकता तू क्योंकि तेरे परहेज है, डॉक्टर ने मना किया है ना।
बस लाओ दे दो मुझे वापस। तो कोई कोक वोक नहीं है, हमने पानी भर रखा है। नहीं कोक है इसके अंदर, कोक है, मैं दिखाता हूँ कोक है। ओ दिखी ना। तो यार अभी होगी शाम और शाम के बजे 6 बजे होता है मेरे व्लॉग का एंड, वो भी होगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों के सवालों के जवाब, जिसमें सबसे पहला सवाल है रोस्टर का। देख रोस्टर, देखो यार रोस्टर बहुत फ्लेक्सिबल होता है। गोएयर में तो फ्लाइटें होती नहीं है, बस 15 दिन में 2 फ्लाइट मिलती है, तो ऐसा ही हाल चल रहा है। लेकिन अदर एयरलाइंस में आपको कंटिन्यू फ्लाइट मिलती है और 7वें या 8वें दिन एक ऑफ मिल जाता है, और छुट्टी के हिसाब से आप छुट्टियां भी ले सकते हो। तो फ्लेक्सिबल होता है, पर इतना टाइम नहीं दे पाते यार फैमिली को, और अगर आप एयरपोर्ट से थोड़ी दूर रहते हो जैसे मैं रहता हूँ। पर चलो ये थी रोस्टर की बात। और दूसरा था भाई टैक्स डिडक्शन। टैक्स 30% कटता है, क्योंकि जब भी आप 25 लाख के ऊपर जाते हो ना एनुअली, तो आपका 30% आई थिंक 20 लाख कर दिया है अभी, 20 या 25 जो भी है, 30% टैक्स पूरा डिडक्ट होता है। मेरा भी होता है, जिससे मेरे को बड़ा दुख लगता है, बहुत ज़्यादा दुख। अब ये बात, बहुत ज़्यादा टैक्स कटा था मेरा, पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा टैक्स कट रहा है। और एक वैकेंसीज वाला क्वेश्चन था, जिसमें भाई मैंने बहुत, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ भर भर के वैकेंसीज आने वाली हैं, जबरदस्त वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आप अब भी अपना कोर्स स्टार्ट करते हो, 2 साल में ख़त्म करो, दुनिया भर की वैकेंसी होंगी। जैसे ही ख़त्म करोगे नौकरी लग जाएगी, गारंटी है तेरी। पर मेरे को ऐसे ना लगे तो जेल मत भेज देना। पर 100% लगेगी यार। और चौथा क्वेश्चन था सनग्लासेस का, पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड भाई, नॉन पोलराइज्ड मैं तो वही यूज करता हूँ, ज्यादातर पायलट वही यूज करते हैं। अगर शौक के लिए कोई पोलराइज कर रहा है तो उसका पता नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन खत्म। और पीछे देखोगे तो मेरी पूरी टीम बैठी है। पीछे मैं क्यों नहीं दिखा रहा था आपको, ये लोग बैठे थे। इसने वही टी शर्ट पहनी है और ये पूरा फैलारा फैला पड़ा है। और भाई ये जो सीटी बनाई थे ना, तो वही खाना बना रही है। तो ये सीटी कम से कम अब तक 13-14 बार लग चुकी है, अब ये नहीं पता बन क्या रहा है। तो यार ये व्लॉग करो मैं यहीं पे खत्म, थोड़ी और बिल्कुल बकवास नहीं करेंगे हम। तो चलो यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर बच गई ना 15वीं बार है ना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, सी यू सून माई नेक्स्ट व्लॉग।